हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी पिछले सेमिस्टर्स के अंदर पढ़े होंगे और अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली तीन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है जैसे कि हमको पता होगा एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली बनाया जाता है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ईयर के एंड में बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन बता सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग पता करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सेकेंड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मेक देम टेक गुड डिसीजन्स अगर मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम क्या होगा क्या हुआ है मार्केट में क्या हो सकता है व्हाट इज़ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये सब अगर पता चलता रहेगा तो मैनेजमेंट को हेल्प होगा बेटर डिसीजन मेकिंग करने में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दम टेकिंग गुड डिसीजनस तो ये दो ब्रांच ऑफ़ अकाउंटिंग है हम यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में इसको डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूँ कि हम लोग बी का कम्प्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं प्लस हम लोग कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं अपने वेबसाइट्स में अपने ऐप्स में जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस विथ नोट्स एंड टाइम टू टाइम डाउट सेशंस और बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर अवेलेबल है तो जो भी बच्चे लोग चैनल पे नए हैं या नहीं जानते हैं ऐप और वेबसाइट के बारे में जरूर से विजिट करना और देखना कि तुमको बहुत हेल्प होगा बी के प्रिपरेशन करने में तो उसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं देखना तो हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच

दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस टू ऑल इट्स होल्डर्स वेयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये यह है यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को रिकॉर्ड करता है मतलब जो मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी उसको सिर्फ रिकॉर्ड करता है लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेश दोनों को इंपॉर्टेंस देता है फाइनेंशियल मीन्स मॉनिट्री इंफॉर्मेशन या मॉनिट्री ट्रांजेक्शंस और नॉन फाइनेंशियल मीन्स नॉन मॉनिट्री ट्रांजेक्शंस ठीक है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मूलेशन करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये दो अलग अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है दोनों का पर्पस ही कंप्लीटली अलग अलग है ठीक है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का बहुत बार आया हुआ पेपर है ये सेमेस्टर के अंदर कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है देखना सबसे पहला मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग ब्रांच विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज द अकाउंटिंग सिस्टम देखना तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों पॉज कर देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग ब्रांच विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फॉर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम विच असरटीन्स फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ़ द कंपनी बाई प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना लाइक ट्रेडिंग अकाउंट पी एल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना जिससे एक बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन पता चल सके ठीक है वेर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम विच कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेश मैनेजर्स फॉर डिजन मेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द मैनेजर्स फॉर द परपज ऑफ टेकिंग डिजन ठीक है सेकेंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली कंसिडर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो मनी मॉनिट्री वैल्यू जिसका होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दोनों चीजों को कंसिडर करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी ठीक है थर्ड एम इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसका मेन एम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन परपज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू ऑल इट्स यूजर्स अब वो यूजर्स चाहे इंटरनल यूजर हो मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सटर्नल यूजर्स हो विज आउटसाइड दर्गेनाइजेशन वेर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनली मैनेजमेंट टीम दैट इज इंटरनल यूजर्स तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिर्फ मैनेजमेंट दैट इज इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फोर्थ टाइमिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तो ईयर के एंड में जनरली जो कि एक साल का होता है ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक आवर ट्रेडिंग पी एल एंड बैलेंस शीट जो कि साल के आखिरी दिन में बनता है लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स होते हैं जो डेटा होता है जो स्टेटिस्टिक्स होता है जो ग्राफ्स होता है वो सबका ऐसे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है जब भी रिक्वायर्ड होगा वो बनाया जाएगा नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिपोर्ट्स फॉर मैनेजर्स आर प्रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे जब जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं फिफ्थ डिपेंडेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अगर दुनिया में मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं भी होगा तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे चल रहा है आराम से चलेगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट on any other branch of accounting, but the management accounting gets its information from the financial statements prepared under the financial accounting. इसलिए management accounting possible नहीं होगा अगर financial accounting नहीं होगा तो क्योंकि management accounting के अंदर जो कुछ भी informations का जरूरत पड़ता है, वो सारा का सारा informations financial statements से आता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ठीक है वेर एज इट डिपेंड्स अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बोल रहा है इट डिपेंड्स अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है नेक्स्ट कुछ और बेसिक डिफरेंसे जैसे कि गवर्निंग प्रिंसिपल्स कौन से रूल्स रेगुलेशन से गवर्न होता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली गवर्न होता है गैप गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इससे गवर्न होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, और IFRS को फॉलो करके करते हैं लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके लिए कुछ ऐसे अलग से रूल्स रेगुलेशन आज तक नहीं बना है ठीक है देर इज नो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन फ्रेमड नहीं किया गया है आज तक ठीक है नेक्स्ट एक्यूरेसी मैनेजमेंट अकाउंट सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है एक्यूरेसी पे इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्योंकि जो कुछ भी हम लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो सब वेरीफाई होगा फ्यूचर में बाय द कंपनीज ऑडिटर ऑडिटर मतलब चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है ऑडिट होना जिसको बोलते हैं लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहां पर ऐसा कुछ एक्यूरेसी पे फोकस नहीं वहां तो प्रडिक्शंस है फ्यूचर के बारे में और प्रोडिक्शंस हो सकता है आगे चल के गलत भी साबित हो जाए ठीक है इट फोकसेज ऑन रिकॉर्डिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ विच इज नॉट वेरीफिएबल मतलब जो एक्यूरेट नहीं भी है एज इट कंटेन्स प्रडिक्टिव इंफॉर्मेश बहुत सारा प्रेडिक्शंस भी हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं लास्ट स्टेटरी कंप्लाइंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी किया गया है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्टेट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ऑल दी कंपनीज सारे के सारे कंपनीज को फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी है ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग देर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमारी मर्जी है तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगा सकते हैं अगर हमारा मर्जी नहीं है हमको ज़रूरत नहीं है तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकते हैं ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत रिपीटेटिवली एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं होप करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना थैंक यू एंड बाय बाय